जय साथियों, और उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोल दिया था कि मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूँगा कि कब हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि हमें UPSC या PCS या सिविल सर्विसेज की तैयारी अब बंद कर देनी चाहिए, ये कब हमें करनी चाहिए। तो इस संदर्भ में ये जो वीडियो मैं बना भी रहा हूँ, ये बेसिकली आया मेरे एक दोस्त की क्वेरी से। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि भाई बहुत परेशान हूँ, मुझे बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने नंबर दिया। उसने बोला कि कब फ्री हो, तो मैंने कहा अभी तो तुरंत फ्री हूँ, तुरंत कॉल कर लो। तो तुरंत मेरी उससे बात हुई। तो वो इस वजह से परेशान था कि वो दिल्ली रह के लगभग 5 साल से तैयारी कर रहा था और बोला था यार बहुत ईमानदारी पूर्वक इस बार फुल एफर्ट दिया था, तभी प्रीलिम्स में नहीं हुआ और अब समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। मतलब तैयारी छोड़ने का भी नहीं मन कर रहा है सिविल सर्विसेज की, और तैयारी करने का भी मन नहीं कर रहा है। क्यों? एक ही चीज़ इतनी बार पढ़ पढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गया। मतलब आप समझिए ना, ज्योग्राफी एक ही चीज़ कितनी बार पढ़ेंगे। तो मैंने उससे कुछ बातचीत की, लगभग 15-20 मिनट मैंने उससे चर्चा की, और जो उससे चर्चा हुई वही सारांश इस वीडियो में। मुझे लगा कि उसकी चर्चा कहीं ना कहीं लाखों एक्सपीरियंस की चर्चा है। क्योंकि देखिए, मैं इस वीडियो में आपको झूठा मोटिवेशन देने वाला नहीं हूँ, कतई नहीं झूठा मोटिवेशन देने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में आपका एक सच से सामना कराने वाला हूँ, जो कि थोड़ा हार्श हो सकता है, हो सकता है आप डीमोटिवेट फील करो एक आध दिन। लेकिन हाँ, जो सीरियस एस्पिरेंट्स होंगे, जिनको वाकई में वो सिविल सर्विस चाहिए ही चाहिए, वो निश्चित ही इस वीडियो से मोटिवेट ही फील करेंगे, क्योंकि वो रियलिटी से कभी भागेंगे नहीं। तो देखिए, रियलिटी से ही स्टार्ट करते हैं। सिविल सर्विस टफ क्यों हो जाता है, इसी से हम पहले बात करते हैं और फिर हम बात करेंगे अदर फैक्टर्स की। तो सिविल सर्विस टफ होने का एक बड़ा कारण ये होता है एस्पिरेंट्स की डाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको मेडिकल फील्ड के भी एस्पिरेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको टॉप साइंस कॉलेज से रिसर्च ग्रेजुएट भी मिलेंगे, आपको यहाँ पे हर डायमेंशन के लोग मिलेंगे। यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के भी लोग मिलेंगे और यहाँ पे आपको इसरो के साइंटिस्ट भी मिलेंगे। तो पहली बात, ये डाइवर्स फील्ड है, डाइवर्स लोगों के बीच में कंपटीशन है, ये पहला फैक्ट है। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है दोस्तों, जो बहुत क्लियर फैक्ट है, जो हम लोग सामान्यतः देखते हैं, 1000 सीटें होती हैं जनरल के लिए। सामान्यतः जब EWS आरक्षण भी लागू हो चुका है तो जनरल के लिए सामान्यतः 400 सीटें ही हैं। तो इन 400 सीटों में बहुत भयानक कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि लगभग एग्ज़ाम का फॉर्म 5 लाख लोग मोर और लेस फॉर्म भरते हैं। तो दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि ये इस प्रकार की चीज़ है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जब मैंने बात कर ली कि सीटें लिमिटेड होती हैं, तो तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये होता है कि इस फील्ड में जाना लगभग सबकी इच्छा होती है। तो ये ना, मैंने देखा मेरे बहुत सारे दोस्त जो करोड़ों करोड़ों की पैकेज पे नौकरियां कर रहे हैं, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के पैकेज पे नौकरियां कर रहे हैं, और मैं यही बात करूंगा, उनकी भी इच्छा यार सिविल सर्विसेज एक बार अटेम्प्ट तो देना चाहिए यार एक बार। अच्छा, पहले मैं ये सोचता था कि केवल हमारे यूपी बिहार नॉर्थ साइड के लोग ही सिविल सर्विसेज को लेके बहुत एक्साइटेड फील करते हैं। मैंने देखा अभी ट्रेंड ऐसा नहीं है, ट्रेंड चेंज हो रहे हैं। मैंने बहुत सारे अपने भारत के दक्षिणी भाग के लोगों से भी बात की, तो उसे ही पता चला कि नहीं यार, उनके लिए भी सिविल सर्विसेज का बहुत महत्व है और वो भी एस्पायर करते हैं कि हाँ भाई, मुझे जाना है एक बार इस फील्ड में। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूँ ये 3-4 फैक्टर्स की, तो यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं। और देखिए, जब मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ, कब हमें डिसाइड करना चाहिए कि सिविल सर्विस की तैयारी अब छोड़ने का समय आ गया है, तो यहाँ पर 2 तरीके के लोग हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे पास दोनों के रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। तरीके वन के लोग जो मेरी तरह हैं, जो कॉलेज के समय से ही डिसाइड कर चुके थे कि उन्हें सिविल सर्वेंट ही बनना है, उन्हें सिविल सर्विसेज में ही जाना है। तो मैंने 18-19 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया था कि यार मुझे तो UPSC ही क्वालिफाई करना है, UPSC के अलावा कुछ नहीं। तो पहला कैटेगरी ये आती है जो होती है 18-19 साल वाले लोगों की। दूसरी कैटेगरी होती है जो 26-27 साल के लोग होते हैं, जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है आदित्य पांडे भाई, है ना। तो मेरे बड़े भाई आदित्य पांडे जी, वो क्या है, वो 26-25 की उम्र में, वो अच्छा नो डाउट कि जब वो कॉलेजेस में थे, जैसे मेरी उनसे बात हुई, तो जब वो MBA कर रहे थे IIT रुड़की से, और जब वो LPU में भी थे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, जब वो ग्रेजुएशन करते, तो उनके मन में कहीं ना कहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज सिविल सर्वेंट बनना है।
लेकिन उन्होंने उस बातों को दबाए रखा नौकरी की। लंबे समय के बाद जब भावना एकदम उबल पड़ी तो वो सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए। ठीक है, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी में आए, वो 25-26 साल में उन्होंने कोर तैयारी शुरुआत की। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर में उनका मन नहीं लग रहा है, उनको लगा वो अथॉरिटी नहीं फील कर पा रहे हैं, वो किसी के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं रख पा रहे। वो बस यही कर रहे हैं कि हाँ भाई 2-3 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं, अपना जीवन उनका आराम से चल रहा है, वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अन्य चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो होता है ना कि यार एक चेंज ला देना, कि एक व्यक्ति आपके पास आया कोई शिकायत लेके, उसके घर में कोई झगड़ा हुआ है और आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप उस झगड़े को सुलझा सके, आपके पास वो क्षमता है, अथॉरिटी से बढ़िया शब्द है यहाँ पे, क्षमता है कि आप जाके उससे बातचीत करके और सुलह समझौता करा सके, आपकी बात पूरे गांव वाले लोग सुनते हों, आपकी बात पूरे ज़िले के लोग सुनते हों, तो ये जब क्षमता की बात उन्हें लगी तो उन्हें लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज एक बढ़िया करियर है। दो तरीके के लोग ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करने आते हैं, जो मैंने आपसे कहा, एक वही 18-19 साल वाले, एक जो बढ़िया वेल स्टेबलाइज जॉब में हैं फिर भी उनका कहीं ना कहीं मन होता है कि वो सिविल सर्विसेज में आए। इन दोनों लोग पे मैं अलग अलग बातें करूंगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन ये बहुत जरूरी है, ये बात करना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस चर्चा को करें। तो देखिए, जब मेरे जैसे लोग आते हैं, मैं सबसे पहले अपने जैसे लोगों के बारे में बताता हूँ, तो जो मेरे जैसे लोग जब आते हैं 18-19 साल की तैयारी, मतलब एज में ही डिसाइड करते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज में जाना है, तो हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट त्याग रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, मैं IIT रुड़की में था, वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा, मतलब मिनिमम 12-13 लाख, चूँकि मेरा 8.5 CGPA था, तो मैं बहुत, ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत टॉप कंपनी में चला जाता, और ऐसा भी नहीं कि मैं बहुत ख़राब कंपनी, तो 12-13-14 लाख का पैकेज 2016-18 में जब मैं पास आउट हुआ तो आराम से मेरी लग जाती। उसमें ग्रेजुअल प्रमोशंस भी होते, ठीक है, ग्रेजुअल प्रमोशंस भी होते आराम से। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट छोड़ के मैं आया कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की तो मैं सबसे पहले आपको एकदम निगेटिविटी के एकदम गड्ढे में लेके जाऊंगा, इस वीडियो में मेरा यही काम है, मैं आपको पहले एकदम कोर निगेटिव व्यक्ति बनाऊंगा, फिर उसमें दिखाऊंगा कि नहीं देखो ये आशा की किरण है, ये वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ पे हम सोचते हैं कि नहीं हमें सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, हम कर लेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, जब मैं 18 में पास आउट हुआ तो मैंने अपने नौकरी को छोड़ा, मैंने त्यागा नौकरी, मैंने आई सिविल सर्विसेज की तैयारी की। जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरुआत की तो एक साल में जो मैंने 4 साल में पढ़ाई की थी IIT में, जो मैंने नॉलेज थोड़ा बहुत गेन किया था, जो इंजीनियरिंग सेक्टर का नॉलेज गेन किया था, वो लगभग भूल चुका था। एक साल के बाद मैं अब चाह के भी मैं इंजीनियरिंग के फील्ड में वापस नहीं जा पाता, ये मैं श्योर कर चुका था, क्योंकि IT सेक्टर मेरी जॉब लगती नहीं, क्योंकि मैं IT, और आजकल चीज़ें इतनी ज़्यादा परिवर्तित हो रही हैं, एक एक साल में 6-6 महीने में अगर आपने अपनी स्किल को अपग्रेड नहीं किया, आपने अपने आप को तुरंत नवोन्मेष के प्रति अडॉप्ट नहीं किया, अनुकूलित नहीं किया, तो आप तुरंत के तुरंत उस फील्ड से बाहर हो जाएंगे, है ना। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो चरम रूप है, योग्यतम की उत्तरजीविता का जो चरम रूप है, वो आज के कंपटीशन के माहौल में आपको दिख रहा होगा। हर फील्ड में भयानक कंपटीशन आपको दिख रहा होगा, गला काट प्रतिस्पर्धा हर फील्ड में है। तो जब मैंने ये बात देखी तो मैंने 1-1.5 साल जब तैयारी की तो मुझे ये बात समझ में आई कि यार मैं अब अपनी इंजीनियरिंग के फील्ड में वापस नहीं जा सकता। अब ध्यान में रखिएगा, जो एक यूथ होता है दोस्तों, 21 से 30 साल उसका सबसे पीक होता है, वो कैरियर का वो सबसे पीक 21 से 30 साल में ही हासिल कर पाता है सामान्यतः। एक्सेप्शन की बात मैं एकदम नहीं कर रहा, तो कोई कमेंट सेक्शन में एक्सेप्शन नहीं बताएगा कि सर इन्होंने 30 साल के बाद बहुत कमाल कर दिया, ये तो सर 50 साल के थे इन्होंने बहुत कमाल कर दिया, मैं इस बात पर बात ही नहीं कर रहा हूँ। सामान्यतः जो ट्रेंड होता है, जो हमारा करियर ग्रोथ होता है, वो 21 साल में बढ़ना शुरू होता है और 30 आते आते अपने पीक पे पहुंचता है सामान्यतः, और फिर उसके बाद हल्का हल्का या तो कांस्टेंट रह जाता है या धीरे धीरे ग्रोथ होती भी है ना, तो बहुत स्लो ग्रोथ रहती है 30 के बाद। 30 के पहले तक सबसे पीक आपके अंदर एनर्जी होती है, आपके अंदर परिवार की जवाबदेही नहीं होती, आप शादीशुदा नहीं होते हैं सामान्यतः 21 से 30 में, जो लोग खासतौर पर शहरी आबादी है, परिवार की उनके पास जिम्मेदारी नहीं होती है बहुत ज़्यादा, उनको बच्चे नहीं संभालना होता, उन्हें स्कूल नहीं ले जाना होता है, ठीक है, तो उस समय वो रिस्क लेके काम कर पाने में सक्षम होते हैं। और जब हम वो समय अपना तैयारी में इन्वॉल्व करते हैं, जब उस समय हम तैयारी में डूबे रहते हैं, तो हमें कुछ बातें समझनी चाहिए जो मैंने भी समझी। तो मैंने ये बात समझी कि अगर आप 19-20 साल के हैं तो आपके जो 2 अटेम्प्ट हैं वो गोल्डन अटेम्प्ट हैं,
और मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जब स्टार्टिंग के दो अटेम्प्ट हों, जब आपने ग्रेजुएशन के समय ही डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना है, तो स्टार्टिंग के दो अटेम्प्ट कोई और एग्ज़ाम मत दीजिए। फुल फोकस 100% एफर्ट, अपने आप को रोज शीशे में शाम को देखिए और शीशे से पूछिए, यानी अपने आप से पूछिए कि क्या आप ईमानदारी से 8 से 10 घंटे या 8 घंटे एटलीस्ट पढ़ाई कर पा रहे हैं ईमानदारी से। अगर शीशा कह रहा है कि हाँ, तो 1 से 2 अटेम्प्ट बिना कोई एग्ज़ाम दिए आप सिविल सर्विस का एग्ज़ाम ढंग से प्रिपरेशन कीजिए, ढंग से लगिए। अपनी स्ट्रेटजी, जैसे मैं भी बार बार शेयर करता हूँ, टॉपर्स की स्ट्रेटजी देखिए, अपनी स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। 2 अटेम्प्ट तो 21 और 22 या 22 और 23, ये 2 अटेम्प्ट आपके सबसे गोल्डन अटेम्प्ट होने चाहिए। और इसके बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, अगर वो 2 अटेम्प्ट में आपने नहीं क्वालिफाई किया, अगर प्री नहीं निकल रहा है, ठीक है, अभी समझिएगा, आपका प्री ही नहीं निकल रहा है अगर उन 2 अटेम्प्ट में, और जब आपने 100% एफर्ट के साथ तैयारी किया था, तब आपको ये समझना चाहिए कि अब आपके लिए अल्टरनेट फील्ड खुल चुकी है। क्यों? अब थोड़ा इस बात पे मैं 5 मिनट और चर्चा करूँगा। जब आप 2 अटेम्प्ट बहुत सीरियस तैयारी करते हो 8 से 10 घंटे के साथ, तो आपकी सिलेबस बहुत डिटेल में ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा प्रिलिम्स परीक्षा का नेचर। जो प्रिलिम्स परीक्षा का नेचर है दोस्तों, वो इस तरह का होता है कि वो केवल और केवल पढ़ाई पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एप्टीट्यूड पर, वो डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा लक पर। लक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रिलिम्स में क्वालिफाई होने का, बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। तो आपने जब 8 से 10 घंटे मेहनत की, तो आपने नॉलेज पार्ट, मान लो मुझे 100 नंबर चाहिए, या मान लिया मैंने मुझे ये लक्ष्य तक पहुंचना है, तो ये जो नीचे वाली पेन है ये है आपकी नॉलेज, ठीक है। ये मान लिया मैंने 0 लेवल था, आपने 0 लेवल से पढ़ाई स्टार्ट की ग्रेजुएशन के समय, 2 साल जब आपने अटेम्प्ट दिया, उन 2 सालों के दौरान आपने नॉलेज वाला पार्ट पूरी तरीके से कर लिया और यहाँ पर आ गए पूरी तरह से नॉलेज। अब ये जो बीच का गैप है, ये जो बीच का गैप है, ये होता है एप्टीट्यूड प्लस लक, ठीक है। किसी कारण से वो एप्टीट्यूड आपके अंदर नहीं आ पाया, किसी कारण से वो लक आपके साथ नहीं दिया और आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो जो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट हो सकते हैं, जो 1-2 अटेम्प्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आपको 24 घंटे या 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप सीधी सीधी बात है 4 से 5 घंटे में भी या 3 घंटे में भी इवन ये एप्टीट्यूड वाला पोर्शन कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो 2 सीरियस अटेम्प्ट हैं, उन अटेम्प्ट्स को देने के बाद आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विसेज में पूरी तरह से अपना समय नहीं देना है, मेरा ये मानना है। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था, मैंने 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए, प्री मेंस इंटरव्यू तक गया, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अपनी कोचिंग खोल ली, क्योंकि मुझे एक बात पता हो गई थी कि देखो, समझिएगा मेरी बात, मुझे एक बात पता थी कि मैं अब इस फील्ड में वापस नहीं जा सकता, इंजीनियरिंग की फील्ड में, आईटी सेक्टर में मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने 2 साल अपनी पूरी स्किल छोड़ दी है। मेरे पास अब एक जो बढ़िया चीज़ बची थी, या मैं स्टेट सर्विसेज की तरफ जाऊं, या मैं क्या करूं, कुछ अपना स्टार्ट करूं, या मैं किसी के अंडर काम करूं कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे, या तो मैं एजुकेशन फील्ड के अंदर जाऊं, एजुकेशन फील्ड में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कोचिंग स्टार्ट करूं, या मैं किसी कोचिंग में पढ़ाऊं, और मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचा था कि या मैं क्या करूं, स्टेट सर्विसेज की तरफ जाऊं। तो मैं आपसे बताता हूं, 2020 में मेरा स्टेट सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मेरे अंदर बार बार इस बात की ही पैशन थी। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, तो मैंने हमेशा UPSC को सोच के ही तैयारी स्टार्ट की थी, स्टेट सर्विसेज के लिए मैंने कभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की थी। तो मैंने स्टेट सर्विसेज को ज्वाइन ही नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने कुछ दिनों तक इधर उधर कोचिंग में थोड़ा बहुत पढ़ाया, एक्सपीरियंस लिया, कुछ पैसे कमाए। और पैसे क्यों कमाना ज़रूरी है, कई बार उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है जिन लोगों के घर वाले उतना उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो मेरे घर में मेरे पिताजी एकमात्र कमाऊ सदस्य थे, ठीक है, और हम 3 भाइयों को और कई सारे जो लोग जो मेरे घर पे आते रहते थे, उनको अकेला वो खर्चा चलाने वाले व्यक्ति थे। तो मुझे लगा कि यार घर का खर्चा अकेला नहीं चल पाएगा, होम लोन पे बना हुआ है, ठीक है, जनरल स्टोर की दुकान बंद हो चुकी है, वो मैंने बहुत शुरुआत में ही बंद करवा दी थी। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, तो मैंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया। ये बात समझिएगा, 2 साल के बाद जब आप 2 साल सही से सीरियस प्रिपरेशन कर लेते हो, तो उसके बाद आप 5-6 घंटे की जॉब कर सकते हो, अगर आपके घर में आपको सपोर्ट करने लायक माहौल नहीं है,
कि आपको वो 2 साल 1.5 साल और सपोर्ट कर पाएँ, तो आप कोई ना कोई जॉब कर सकते हो पैरेलली, कोई दिक्कत नहीं आती है। 2 से 3 घंटे आप केवल रिवीजन करते हो ना, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो जब UPPCS में सेलेक्ट हुआ तो मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं यार, कोचिंग में मैं किसी के अंडर नहीं पढ़ा पाऊँगा, या मुझे ये 50-60 हज़ार की नौकरी करने के लिए मैं नहीं बना हूँ। ठीक है, मैंने ये बात डिसाइड की और मैंने UPSC हिंदी इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिया। मैंने जो UPSC हिंदी है, मैंने सिलेक्शन के पहले स्टार्ट किया था। तो जो लोग सोचते हैं ना कि सेलेक्ट होने के बाद भी ज्ञानबाजी करता, नहीं भाई, मैं 2018-19 से ज्ञानबाजी करता हूँ। ठीक है, जो मैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताता हूँ, इस फील्ड में मुझे एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, है ना। और मैंने पढ़ाना एकदम बंद कर दिया, मैं पढ़ाता नहीं हूँ। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज मेरा पैशन था, वो पैशन मैं फॉलो कर रहा था अभी भी, लेकिन मुझे किसी के अंडर नहीं काम करना था। लेकिन मुझे ये ध्यान में रखना था कि यार, मैं एक IITian हूँ, है ना, 50-60 हज़ार की नौकरी से मेरा कुछ नहीं होगा, है ना। उतना तो यार मेरा लोन, जो मेरा 5,70,000 का मैंने लोन लिया था, स्टडी लोन, ठीक है, वो भरने में मेरा निकल जाएगा। तो मैंने UPSC हिंदी स्टार्ट की। UPSC हिंदी को सक्सेसफुली रन करते हुए मैंने तैयारी स्टार्ट की। और मैं आपसे बता रहा हूँ, अगर मैं किसी कोचिंग में जाके पढ़ाता, तो सपोज मान लो मैं विजन, दृष्टि, या एक गोरखपुर की लोकल कोचिंग थी पूर्वांचल IAS, मैं पूर्वांचल IAS में कुछ समय तक पढ़ाया था, अगर मैं वहाँ जाके पढ़ाता तो मेरा कुछ नहीं जा रहा था। मुझे 3-4 घंटे पढ़ाने होते थे, 1,500-2,000 रुपये पर घंटे के हिसाब से पेमेंट मुझे मिल जाता था, मुझे पैसे बहुत अच्छे मिलने शुरू हो गए थे। तो अगर मैं 1 महीना रेगुलर पढ़ाता ना, 3 घंटे डेली, तो मान के चले मुझे 1,00,000-1,25,000 रुपये का पैकेज आराम से मिल रहा था। लेकिन ये बात समझनी बहुत ज़रूरी थी, ये बात समझना था कि यार, वो 1-1.5 लाख रुपये सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा था, है ना। दूसरी बात, हाँ सही बात है कि 3-4 घंटे में ही काम चल जाता, लेकिन वो इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा था जो मैं चाहता था। जो मैंने स्किल हासिल की थी IIT रुड़की में, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा था, जो रिसोर्स प्लानिंग पढ़ी थी, वो मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो मैंने कहा चलो UPSC हिंदी स्टार्ट करेंगे, और मैंने अकेले दम पे UPSC हिंदी स्टार्ट की थी। बाद में कुछ लोग जुड़े, और जो लोग कुछ जुड़े, उन लोगों को मैंने सिखाया, उन लोगों को मैंने बार बार धक्का मारा कि नहीं ठीक है आओ, चलो यार कोई बात नहीं। जो जुड़े भी थे वो लोग भी मेरे जैसे ही थे और मेरे से बुरी परिस्थिति में थे, बात समझिएगा। वो लोग भी बहुत जगह अप्लाई करने के बावजूद कहीं नौकरी नहीं लगी, प्रिपरेशन करने के बावजूद कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने उनको सपोर्ट दिया कि नहीं आओ, ठीक है। उनके मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खूब भरा हुआ था, खूब ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरा हुआ था कि नहीं यार, हम तो फेलियर हैं, दुनिया में कैसे एक्सेप्ट करेगी। तो मैंने समझाया कि नहीं यार, हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते, है ना। ये फील्ड हो सकता है यार, UPSC एक लक का फैक्टर भी है, ठीक है, एक फैक्टर ऑफ लक है UPSC में। नहीं सिलेक्शन हुआ, लक फैक्टर है यार, तुमने मेहनत की ना, तो चलो हम कोचिंग स्टार्ट करते हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं। पहले साल भर लगभग मैंने अकेले पढ़ाया था, कोविड के समय में फिर और भी लोग आके जुड़े इससे। ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने जो रास्ता चुना था, वहाँ पे मुझे केवल 3 घंटे नहीं पढ़ाना था, यहाँ पे मुझे 8 से 10 घंटे मेहनत करनी थी। जो लोग जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैंने ये कहा कि 2 साल अगर आप प्रिपरेशन सही से कर लीजिए, तो मेरी स्टोरी से सबक लेते हुए आप उसके 6 से 8 घंटे की जॉब के साथ प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। तो जो मैंने जॉब की, इसमें जितना मेहनत करते थे उतना रुपये आते थे। स्टूडेंट्स के साथ जितनी कनेक्टिविटी रखते थे, स्टूडेंट से जितनी बातचीत करते थे, स्टूडेंट्स को जितना सपोर्ट करते थे, जितना मेंटरशिप करते थे, उतना ही इसमें रिटर्न था। आप बैठ गए तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना, आप बैठ गए तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। और आप देखोगे, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, मैं तो बहुत सीरियस कहता हूँ, जो आजकल नए नए यूट्यूब चैनल और नए नए जो एस्पिरेंट्स जो तैयारी करवा रहे हैं, जो खुद भी एस्पिरेंट हो तैयारी करा रहे हैं, एकमात्र समस्या यही होती है उनके साथ, जैसे एग्जाम आता है वो भाग खड़े होते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे देखोगे कि मेंस के वीडियो चल रहे होंगे, जो UPPCS को 3-4 महीने बचे, भाई उनको खुद मेंस, उनको खुद प्रिपरेशन करनी है PCS की, प्रीलिम्स की, UPSC के प्रीलिम्स की, UPSC के मेंस की, तो वो भाग खड़े होंगे। मैंने इस बात को डिसाइड किया कि नहीं यार, हमें पैसे भी कमाने हैं, पैशन फॉलो करना है, पैसे भी कमाने हैं, तो नहीं चलो हम ये भी काम करेंगे, करते रहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, वो 8 से 10 घंटे की जॉब करते हुए एग्जाम दिया। तो आप भी अगर 2 साल सीरियस अटेम्प्ट दे ले रहे हो, तो इसके बाद आप जॉब कर सकते हो। हमारे नारायण भाई हैं जॉब करने के साथ सेलेक्ट हुए, हमारे दीपक भाई हैं SDM हैं, ठीक है, जॉब करने के साथ सेलेक्ट हुए, भाई उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे, साथ में सेलेक्ट हुए। क्यों?
एक दो साल ढंग से प्रिपरेशन कर ली थी, दो साल की प्रिपरेशन बाद उनका बेस बन गया था, उनको बस यही चाहिए था कि किसी तरह मेरा प्री क्वालिफाई हो जाए तो मैं छोड़ दूंगा। तो मैं बार बार ये सजेस्ट करता हूँ, तो कब तैयारी छोड़नी चाहिए? दो साल सीरियस प्रिपरेशन के बाद छोड़ने के बजाय आप कुछ ऐसा ज्वाइन कर लो जिससे आपकी आजीविका ढंग से चले, जिससे आप 50-60 हज़ार 25 हज़ार एटलीस्ट, अभी आज के जमाने यार 50 हज़ार तो मिनिमम आपकी इनकम शुरू हो जाए। किसी कोचिंग में कंटेंट राइटर का काम कर लिया, किसी कोचिंग में पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, और रेगुलर, ये नहीं कि जैसे हम लोग भी जब मैंने UPSC स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग आए थे, तो वो हफ्ते में एक वीडियो बनाते थे, एक क्लास ले लेते थे, सोचते थे उसी से उपकार कर दिया उन्होंने दुनिया के ऊपर, ऐसे नहीं। रेगुलर एफर्ट के साथ, मैं भाई कह रहा हूँ, डेली का टाइम लिमिट अपना सेट करो 4 से 5 से 6 घंटा, 6 घंटे तक काम करेंगे, 7-8 घंटे पढ़ाई करेंगे, बाकी 8-10 घंटे सोना और आराम करना और जो भी अदर एक्टिविटी है वो करेंगे। इस तरह से अगर आप टाइम टेबल डिसाइड करोगे तो सबसे पहली चीज़ ये होगी, आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, जो सबसे पॉजिटिव चीज़ होगा, आपको सोचने का समय बार बार नहीं मिलेगा कि आप फेलियर हो, आप परेशान नहीं होंगे। मैंने ये चीज़ देखी, जिन लोगों को मैंने UPSC हिंदी में जोड़ा था उन लोग के मन से ये बात मैं निकालने में बहुत ही सफलतापूर्वक सक्षम रह गया कि वो फेलियर नहीं है, ठीक है, मैंने उनके मन में से बात निकाल दी कि तुम फेलियर हो, वो खुश हो गए, उनको लगा कि नहीं यार वो तो जीवन में कुछ कर सकता है, सकारात्मक कर सकते, ये काम आप भी कर सकते, ठीक है, तो ये काम आप भी बहुत ही इंटेंट के साथ करते हो कि हाँ यार हम फेलियर नहीं हैं इस फील्ड में। मैंने कहा एक नॉलेज और एक एप्टीट्यूड और लक का भी फैक्टर है, लक का फैक्टर हमारे साथ नहीं है, लक का फैक्टर जब भी आ जाएगा, हम अगर 6 घंटा 4 घंटा 3 घंटा भी पढ़ेंगे तो लक का फैक्टर हमारे साथ आ जाएगा। तो आप इस बेसिस पे तैयारी स्टार्ट करते, 2 साल के बाद आप स्टेट सर्विसेज दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं UPSC नहीं हो पा रहा है हमसे, और आपको ये फील आता है, वहाँ पे आपकी फीलिंग है, आपको लगता है नहीं यार मैं UPSC लायक हूँ ही नहीं, अगर आपको ये लगता है, और ये नो डाउट ये कई लोग को लगता है, तो मैं यही बात कहूँगा, अगर आपको ये फील आता है कि नहीं आप UPSC लायक हैं तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, आप State PCS दीजिए, State PCS से सेलेक्ट होकर फिर UPSC की प्रिपरेशन कीजिए या फिर UPSC दीजिए। तो आप एक जगह खुद को सिक्योर कीजिए आफ्टर 2 ईयर्स, कहने का कुल पर्पज ये था। दूसरे तरीके के जो लोग हैं, जो लोग 25-26 साल में आते हैं, एक अपना बना बनाए करियर छोड़ के आते हैं, उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा, एटलीस्ट 2 साल का वो जो भी रुपया पैसा है जो खर्चा हो सकता है तैयारी में, लाइब्रेरीज में, है ना, कंटेंट इकट्ठा करने में, वो इकट्ठा करके आए, ताकि उन 2 साल आपको जवाबदेही जिम्मेदारी ना रहे। दूसरी बात, जो घर के आपको छोटे मोटे काम है, जैसे कई लोग को हो सकता है अपनी बहनों की शादी करनी हो, अपने भाइयों की शादी करनी हो, खुद की शादी करनी हो, घर बनवाना हो, तो जो ये खर्चे हैं आप पहले 25-26 साल तक ये कर लीजिए, इसको बीच में हॉल्ट मत कीजिए, करके फिर आइए प्रिपरेशन में। आदित्य भाई वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, उन्होंने हर चीज़ें कर ली फिर आए प्रिपरेशन करने, ठीक है आप कर लेंगे, आप कोर प्रिपरेशन कर लेंगे, तब 1-2 साल प्रिपरेशन कीजिए फुल एफर्ट के साथ। इसमें भी मैं यही सजेशन करूंगा, अपने आप की स्किल खत्म मत कीजिए। तो मान लीजिए आप IT सेक्टर में थे, आप सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और आपने नौकरी छोड़ दी, सपोज आप बर्कले में जॉब कर रहे थे या गोल्डमैन सैक्स में आप जॉब कर रहे थे, जॉब आपने छोड़ दी, ठीक किया, बट मैं यही सजेशन दूंगा फ्रीलांसिंग मत छोड़िए, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क कीजिए यार, यही 1-2 साल का समय, एक्स्ट्रा वर्क कीजिए, 8 घंटे फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए पढ़ाई को, है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए पढ़ाई को कि हाँ मैं 8 घंटे पढ़ाई करूंगा, सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा पढ़ाई, उसके बाद सेकेंडरी में फ्रीलांसिंग वर्क्स जरूर टच कीजिए, ताकि आप उस स्किल सेट जो आपने गेन किया है 25-26 सालों के दौरान, जो आपने मार्केट में 3-4 साल जो फील्ड में आपने अचीव किया है वो आपका न छूट जाए, पूरी तरीके से न छूट जाए, ऐसा ना हो कि अगर आपको बाई चांस उस फील्ड में वापस जाना पड़े तो ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही नए आपको सूना लग रहा हो। और ये बात मैंने कहाँ से देखी, ये बात मैंने देखी भावेश मिश्रा सर से, वो IAS थे, मैंने उनका कोरा पे मैंने पढ़ा था, मैंने देखा कि वो जब रिजल्ट आया तो कोडिंग कर रहे थे, उनको लग रहा था कि ठीक है नहीं आएगा मैं चलो कोडिंग करता हूँ, मैं अपनी जॉब तो एटलीस्ट कर रहा होता हूँ, वो कोडिंग कर रहे थे। तो आप उस स्किल को पूरी तरह से मत छोड़िए। अच्छा, दूसरी बात ये, प्रिलिम्स और मेंस के बीच का जो 3 महीने का गैप होता है, तो जो जॉब वाले कैंडिडेट हैं प्रिलिम्स और तीन महीने के बीच के गैप को पूरी तरह से छुट्टी मान लीजिए, प्रिलिम्स से 1 महीना पहले को पूरी तरह से छुट्टी मान लीजिए, उसके पहले फ्रीलांसिंग कीजिए, तो प्रिलिम्स से 1 महीने पहले को पूरी तरह से छुट्टी ले लेंगे तो मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा,
अभी लगेगा कि हाँ यार मैं भी लेबल प्लेइंग फील्ड पे हूँ। प्रीलिम्स अच्छा हो जाता है तो प्री और मेंस के बीच में एकदम काम मत कीजिए, फुल एफर्ट लगाइए, 12 घंटे 10 घंटे 14 घंटे यूपीएससी पे लगाइए और फिर प्रिपरेशन इस तरीके से। इस तरीके से आप दोनों चीज़ों में बैलेंस बना पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं यही बात कहना चाहूँगा, देखो सिविल सर्विस की तैयारी बहुत रिस्की तैयारी है, इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं। रिस्की मैंने तीनों फैक्टर गिना दिए थे कि रिस्की इस वजह से बहुत सारे क्रीम लोग इसमें एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका कंपटीशन बहुत अच्छे लोगों से है, दूसरा सीटें बहुत लिमिटेड है यार, है ना, तीसरा सबके मन में जो हमारा समाज है सबके मन में ये इच्छा होती है कि हम समाज के लिए कुछ अच्छा करें, जिस समाज ने हमें कुछ बनाया उसके लिए हम कुछ अच्छा करें। तो अगर आप इस उद्देश्य से हो, ठीक है, तो सेल्स सर्विसेज आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तो देता है, नो डाउट। आप एक IAS हो, एक IPS हो, हम लोग तो मतलब जब लवासना में ट्रेनिंग कर रहे थे, ठीक है, अभी तो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली हुई है, दिसंबर 1st वीक में मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी वापस, ठीक है, मेरी छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी। जब हम लवासना में ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये एक बात बार बार बताई जाती थी, अगर आपको इम्पैक्ट डालना है जनता पर तो आप IAS बनिए, ठीक है, आपको जनता पर इम्पैक्ट डालना है, आपको एजुकेशन में कुछ अच्छा करना है, आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कुछ अच्छा करना है तो आप IAS बनिए। और अगर आपको लोगों को तत्काल राहत पहुँचानी है, तत्काल राहत, किसी का दुख तत्काल दूर करना है तो आप IPS बनिए। तो ये बातें बहुत समझ में आती है कि हाँ यार एक दुखित व्यक्ति है ना, एक महिला है जो बार बार प्रताड़ना का शिकार हो रही है, वो जाती है जब पुलिस के पास तो वो इस उद्देश्य से जाती है कि हाँ हमारा वहाँ पर ईमानदारी पूर्वक हमारी बात सुनी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे पैशनेट लोग जो सिविल सर्विसेज के प्रति पैशनेट होते हैं, 2 करोड़ की जॉब छोड़ के वो सिविल सर्विसेज में आ रहा है, इसका मतलब उसके लिए पैसा प्रथम नहीं है। मैंने 20 करोड़ की कंपनी छोड़ के, है ना, कंपनी को रास्ते में छोड़ के मैंने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया, मैंने IPS बनना तय किया, मैंने डिसाइड किया कि नहीं मुझे वर्दी चाहिए, मैंने इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है, मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि मैं लोगों के तत्काल काम आ सकूँगा, मैं अपना काम बहुत ही एफर्ट के साथ बहुत ही ईमानदारी के साथ कर पाऊँगा और जीवन में सुधार ला पाऊँगा। और वो पैशन मेरा शुरुआत से था, जब मैं प्रिपरेशन में आया था 18-19 साल की उम्र में, तब से ये मेरा पैशन था। वो पैशन जब मैंने अचीव कर लिया तो मैं खुश हो गया कि हाँ भाई चलो मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। तो अगर आप इस तरह से पैशनेट हो तो तैयारी पूरी तरह से छोड़ने के बजाय कि हम पूरी तरह से छोड़ देंगे अब नहीं करेंगे, बेहतर ही है जॉब के साथ प्रिपरेशन कीजिए, स्किल के साथ प्रिपरेशन कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सीखिए, ठीक है, कोडिंग सीखिए, डेटा एनालिसिस सीखिए, नई नई स्किल हासिल कीजिए और प्रिपरेशन साथ में कीजिए। नहीं नई स्किल हासिल करना है तो एजुकेशन फील्ड आजकल बहुत है, आजकल देखोगे YouTube पे कोई भी वीडियो बनाता है यार, आपके पास भी एक ऑप्शन है, YouTube इज़ वन ऑफ द जॉब है आज के ज़माने में, आपकी अर्निंग हो रही है यार, अगर आप YouTube पे वीडियोस बना रहे हो तो आपकी अर्निंग है, सिंपल सी बात है ना, नो डाउट कि इतनी अर्निंग नहीं है जितना लोग सोचते हैं। जैसे मैं आपको अगर कुछ एक डाटा दिखाऊं, तो जब मैं UPSC हिंदी में वीडियो बनाता था और मैं जब मेरे पास सारे रेवेन्यू का सारा डाटा मेरे पास होता था तो मैक्सिमम रेवेन्यू यूट्यूब से 30-40 हज़ार जाता था, यूट्यूब से रेवेन्यू इससे ज़्यादा नहीं जाता था, पूरे महीने का मैक्सिमम रेवेन्यू जिस महीने गया है, मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ तो 30-40 हज़ार, लेकिन हाँ नो डाउट वो कनेक्टिविटी में काम आता है, ठीक है, आप फर्स्टेट नहीं होते हो लाइफ से तो आपके पास एक जॉब ये है, आप किसी कोचिंग में कंटेंट राइटर का काम कर सकते हो, किसी कोचिंग में आप रिसोर्स इन्हेंसमेंट का काम कर सकते हो, अभ्युदय जैसी सरकारी स्कीम में आप अप्लाई कर सकते हो कि हाँ मुझे यहाँ पे रिसोर्स की तरह से यूज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, देखो 1-2 साल प्रिपरेशन के बाद, और फील्ड पूरी तरह से चेंज करने के बजाय अगर आपका पैशन है, किसी दूसरे के दबाव में अगर तैयारी कर रहे हो, किसी ने कहा है कि UPSC की तैयारी कर लो, तब छोड़ दो पूरी तरह से प्रिपरेशन, पूरी तरह से लग जाओ अपने स्किल पे। लेकिन अगर आप अपने मोटिवेशन के आधार पर तैयारी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस फील्ड में कुछ आया हूँ करने के लिए, इस जुनून के साथ आप आए हो तैयारी करने, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि 2 साल प्रिपरेशन के बाद फील्ड एक सेलेक्ट कीजिए, उसमें काम कीजिए, प्रिपरेशन पैरेलली कीजिए, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं बहुत ही सक्षम है, मैं इस बात को हमेशा मानता हूं, बहुत ही स्वीकार करता हूं। और अगर उन्हें लगता होगा कि हमारी युवा आबादी 21 से 30 साल के बीच में केवल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए ही परेशान हो जा रही है और युवा आबादी का जो हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित ही वो एज कम कर देगी, वो 25-26 साल फाइनल बैरियर कर देगी कि ठीक है 26 के बाद आप UPSC के एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते।
तो मेरे हिसाब से जो नीति निर्माता है बहुत ही सक्षम है, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, ठीक है, उन पे भरोसा करते हुए, ठीक है, सभी लोग के अधिकतम हित पर काम करते हुए हम लोग प्रिपरेशन करें। जय हिंद जय भारत। उम्मीद है आपको सभी लोगों को समझ में आया।